Good morning, student. Today we are going to start our new lesson, that is chapter 2, fractions and decimals. In previous classes we are studying about that, but let's take some important topics we have taken here. Okay, so first of all, what is the fraction? Fractions means hum kahenge part of whole. पार्ट ऑफ होल मींस किसी पूरे एक चीज का छोटा सा पार्ट. सपोज दिस इज द चपाती. ओके, दिस इज द चपाती. एक चपाती है, इसका मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, इसको मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड दिस वन पार्ट यू एट. आपने इसका एक वन पार्ट खा लिया. सो वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन ऑफ फुल चपाती, 1/4. Okay? Then, suppose this is the chocolate, means 1/3. This is the fractions, means part of a whole. एक किसी एक चीज का एक पार्ट, किसी एक चीज का एक पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं fractions. Understand? That is the fraction. Now, let's take our types of fraction. कुछ fractions के types हैं वो हम लोग देख लेते हैं. Which is that? Types of fraction. Okay. So, types of fraction में हम लोग पहला part देखेंगे अपना proper fraction. Proper fraction. In the proper fraction, सबसे पहले तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि suppose 3/4, ये मैंने एक fraction लिखा. जो dash के ऊपर का number है उसको हम लोग क्या कहते हैं, numerator. And जो नीचे का number है उसको क्या कहेंगे, denominator. जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. मींस अभी इसको भी ध्यान में रखने की एक चीज है, जैसे ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग डाउन भी बोल सकते हैं. यहां से ध्यान में रखना हम लोग, डाउन मींस डिनोमिनेटर. अंडरस्टैंड? तो ये चीज ध्यान में रखना, जो डैश के ऊपर का नंबर रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो डैश के नीचे का नंबर रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. सो प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर is less than the denominator. Means, जैसे मैंने ये fraction लिखा, जो numerator है वो denominator से छोटा रहता है, means ऊपर वाला जो number रहता है वो छोटा रहता है denominator से. Understand? तो proper fraction में numerator is less than denominator. Suppose example are there, we have to write some example. 4/15, 6/9. 7/10, ये हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन. जस्ट इसका उल्टा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. मीन्स न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, मीन्स ग्रेटर रहेगा. ओके, सो वी लेट्स एग्जाम्पल हियर, वी हैव टू राइट एग्जाम्पल सम, दैट इज 5/2, 7/3, 9/4. इस तरीके के जो एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं ओ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. सपोज 3/2/4, इस तरीके की जो फ्रैक्शन रहते हैं दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड? 4/6/3, ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज 4th इज लाइक फ्रैक्शन.
एक से ज्यादा फ्रैक्शन, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, एक से ज्यादा फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं तो जी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दैट आर द लाइक फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस का मीन्स एक से ज्यादा जो फ्रैक्शंस हमको एग्जांपल्स में दिए रहते हैं, तो अगर उनका एक से ज्यादा फ्रैक्शंस है और उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और फिफ्थ इज, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम नहीं है, एक से ज्यादा फ्रैक्शन नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सपोज 2/3 एंड 5/7, दिस टू डिनोमिनेटर, इन दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम नहीं है, दैट आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मीन्स हमने जैसे एग्जांपल दी है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सो व्हाट वी हैव टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ नहीं करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सपोज 3 × 2 और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस में ले लेंगे और ऑल द नंबर्स हैव टू डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा। ओके, सो 3 × 2 इट इज 6+1/2 और 7/2, अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ हियर आल्सो, जो ये डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज 4 × 2 प्लस दिस 7 एज इट इज न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज जैसे कि वैसे डिनोमिनेटर रहेगा। सो 4 × 2 इट इज 8+7/2, 8+7 इट इज 15/2, आया समझ में। सिमिलरली जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अंडरस्टैंड। ये हो गया एक पार्ट, नाउ आई जस्ट ड्रॉप दिस टॉपिक, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था ये 7/2 है, 7/2 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, सबसे पहले मैं इसको 2 को 7 से डिवाइड कर दूंगी। सपोज 2 × 3 = 6, ओके, ये सिंपल डिवीजन करना है हमें, यहाँ पर 1 आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे इसको लिखते वक्त मैंने यहाँ पर डिवीजन किया है तो हमारा एक रूल है ना, क्वेश्चन ओके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, सो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, यहां पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर है ना, क्वेश्चन क्या है अपना 3, ये जो मैंने 3 लिखा, देन रिमाइंडर क्या है अपना 1 और डिवाइजर क्या है अपना 2। तो इस तरीके से अपन हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर था 15/2 था, है ना, तो 15/2 को मैं यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करती हूँ 2 × 15, 2 × 7 = 14 आर देयर, सो 0, 1। ओके, सो राइट इट, पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, क्वेश्चन, फिर जो अपना डिनोमिनेटर रहता है वो रिमाइंडर रहता है वो, और यहाँ पर डिनोमिनेटर रहेगा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन क्या लिखा 7, देन रिमाइंडर में 1 है और यहाँ पर नीचे 2 है। इस तरीके से हम लोग अपना ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सपोज दिस एग्जाम्पल आर देयर 4/7 + 4/7। देखो हमें एडिशन और सबट्रैक्शन ये चीज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ये जो फ्रैक्शन है इनको फाइंड आउट करना है।
लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमें देखना है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स रहते हैं, जो फ्रैक्शंस रहते हैं, उनके डिनोमिनेटर अगर सेम रहते तो दैट फ्रैक्शन इज द लाइक फ्रैक्शन। ओके, इट इज द लाइक फ्रैक्शन, है ना। सो लाइक फ्रैक्शन करने के लिए हम सिंपली इसको एडिशन करना है कि जो न्यूमरेटर है उनका एडिशन करो 2 + 4, और ये जो पूरे इसको 7 से डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। ओके, मींस 2 + 4 इट इज 6 और 7 एज इट इज। अंडरस्टैंड, मींस ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ऊपर के नंबर्स को हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज सब्ट्रैक्शन एग्जांपल आ रहा है 5/3 - 2/3, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगी 5 - 2/3 एज इट इज। ओके, 5 - 2 इट इज 3 और ये 3, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, मींस ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन करने के लिए अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। ओके, तो सेम करने के लिए हमें पता है कि 5 के टेबल में और 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 5 है क्या और 5 के टेबल में 7 है क्या, नहीं है। तो हमें एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि ये दोनों के टेबल में है, है ना, जो कि ये दोनों के टेबल में है। तो सपोज वो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5 का और 7 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 × 5 = 7 एज इट इज, एंड 7 × 7 = 7 एज इट इज, ठीक है। ये अपना एलसीएम निकला 5 × 7 = 35, तो ये दोनों का एलसीएम क्या है 35 है, 35 है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे सपोज 3/5 और 2/7, तो 3/5 यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, मींस 5 × 7 इट इज 35 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस 3 × 7 ही है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 × 5, और न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मींस 2 × 5। सो आवर आंसर इज 7 × 3 = 21 and 5 × 7 = 35, ठीक है। यहाँ पर भी 5 × 10 and 7 = 35। आगे देखो हमें डिनोमिनेटर से, नाउ 21/35 + 10/35, ओके, अंडरस्टैंड। सो अभी इसको एडिशन करो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यस, हमने इस तरीके से डिनोमिनेटर सेम कर दिया इसका। सो 21 + 10 इट इज 31 एंड द डिनोमिनेटर एज इट इज, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। इस तरीके नाउ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये चीज करने के लिए हमें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जो मल्टीप्लीकेशन का रूल रहता है, जिसे न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल सा रूल हमें यहाँ पर फॉलो करना है। सो सपोज हियर 6/4 × 3, नीचे कुछ भी नहीं, तो सपोज करना है 3 भी नीचे 1 कर देना है हमें। यस, सो 6 × 3/4 × 1, सिंपल। 6 × 3 = 18 and 4 × 1 = 4 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 2/3 × 6/4, ये जो है सिंपल एग्जांपल करना हमें 2 × 6/3 × 4, ठीक है। 2 × 6 = 12 and 4 × 3 = 12, ओके, सिंपल है ये। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन करना है। सिमिलरली अभी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। सो हाउ टू सॉल्व इट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए बाय होल नंबर, सबसे पहले देखते हैं बाय अ होल नंबर। सपोज 8
ये हमारा एग्जाम्पल है 8 डिवाइड बाय 7 अपॉन 3। तो हम लोग इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं 8 अपॉन 1 डिवाइड बाय 7 अपॉन 3, ठीक है। तो ये जो डिवीजन का सिंबल है ना, अगर डिवीजन हमें करना है तो सिंपल वे में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 1, 8 अपॉन 1, इसका हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब ये जो नेक्स्ट वाला जो नंबर रहता है, नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन रहता है, इसको उल्टा कर देना पड़ता है। उल्टा करने के लिए 3 अपॉन 7 हो जाएगा, मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये करने से, रेसिप्रोकल करने से, ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, सिंपल है ना, कुछ नहीं करने से रेसिप्रोकल करना है अपना। 8 3 जा 24, 7 1 जा 7, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज बाय फ्रैक्शन है, ये अभी हमने होल नंबर देखा था, अभी बाय अ फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन टेक वन एग्जांपल, 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, ठीक है, सॉरी 4 अपॉन 9 ले लेते हैं, मींस डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, कुछ नहीं करना है, सिंपली 4 अपॉन 9 इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, मींस रेसिप्रोकल किया तो सिंबल चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 3 जा 12 और 9 2 जा 18। इसी में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, सिंपलेस्ट कन्वर्ट, कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सपोज दिस 12 अपॉन 18 ये नंबर है अपना, इसको हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या लोएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट या लोएस्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इतना बड़ा नंबर है तो इसको अगर छोटा नंबर कर दिया जाए तो, सो ये चीज देखना है हमें कि 12 और 18 दोनों कौन से नंबर में है, कौन से टेबल में होता है। सो 2 के टेबल में है, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18 होता है, ठीक है, मींस 6 अपॉन 9 आएगा। फिर से एक चीज हमें करना है कि ये दोनों नंबर और कौन से टेबल में, 3 के टेबल में है, सो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या है, 2 अपॉन 3, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, हालांकि ये नंबर भी राइट है, ये आंसर भी राइट रहेगा, लेकिन अगर हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो वो भी राइट रहता है। किसी किसी एग्जांपल में अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकालते तो रॉन्ग दे दिया जाता है, इसलिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना बहुत जरूरी रहता है ना स्टूडेंट। सो आई